हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं साकेत जैन सर्वा म्यूजिक लैब्स की तरफ से आप सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मेरा पहला लाइव है, तो कोई मिस्टेक्स हों तो मुझे छोटा समझ के माफ़ कीजिएगा। आज हम मदर्स डे के बारे में बात करेंगे और मदर डे से रिलेटेड कुछ गाने भी सुनेंगे। तो आप सभी इंजॉय कीजिए इन सभी गानों को। और हम शुरुआत करते हैं अपने लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस से, जब हमने सरगम म्यूज़िक लैब्स की स्टार्टिंग की थी और हमने मदर्स डे शो किया था लास्ट ईयर परम शांति वृद्धाश्रम में। कुल 14 सिंगर्स ने मिलकर कुल 20-22 गानों की एक बहुत ही अच्छी श्रृंखला प्रस्तुत की थी मदर्स डे की, जिसके सारे गाने हमारे यूट्यूब चैनल सरगम म्यूज़िक लैब्स में आपको मिल जाएंगे। इसी कड़ी को लेके आज मॉर्निंग में हमने ऑनलाइन शो किया, जो कि कुल 11 सिंगर्स ने मिल करके एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत सारे गाने दिए। और उसके साथ ही मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि माँ को लेकर के इतनी सारी चीज़ें हैं इस जगत में, इस दुनिया में, कि हम सोच भी नहीं सकते कि माँ के बिना, यदि माँ नहीं होती तो इस सृष्टि की शुरुआत ही नहीं होती। जैसे कि हिंदू धर्म में मान्यता है कि सृष्टि की शुरुआत जगत जननी माता दुर्गा ने की, और माँ यदि है तो सब कुछ है, माँ नहीं तो कुछ भी नहीं। तो इसी प्रकार से मैं गानों का के लिए आया हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है मैं सिंगर हूँ, तो गाने शुरुआत करते हैं। आप सभी भी अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे गानों की फरमाइश कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि गाने आप लोगों के सामने पेश करूं। तो सबसे पहला गाना जो मुझे आता है जहन में, जो कि आप सभी लोग का फेवरेट है, तू कितनी अच्छी है। इस गाने को मैं पेश कर रहा हूं। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, कि ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ बहुत ही प्यारा अंतरा इस गाने का। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। और इसका आखिरी अंतरा जो कि सभी लोगों का बहुत ही पसंदीदा है, जिसमें एक लाइन आती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, मेरे हंसने पे ओ मेरे रोने पे तू बलिहारी है,
तो इस गाने के ही साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। ये गाना लास्ट ईयर हमारी एक बहुत ही प्यारी सिंगर सरला जी ने गाया हुआ था ये गाना, और वो आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरगम म्यूज़िक क्लब की बहुत अच्छी मेंबर हैं और बहुत सारे शोज़ में परफॉर्म भी करती हैं। इसके बाद एक रिक्वेस्ट आ रही है शंकर महादेवन जी के द्वारा म्यूज़िक दिए हुए गाने मेरी माँ का, जो कि मूवी अपने तारे जमी पर को लेकर है, उस मूवी से है। थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा हूँ क्योंकि पहला लाइव है मेरा, तो जो भी मिस्टेक्स हो रही हों मुझे माफ़ कीजिएगा। अभी मेरी माँ की जो रिक्वेस्ट आई है उसको मैं गाने की कोशिश करता हूँ। मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ, हो यूँ तो मैं दिखलाता नहीं तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है न माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ, हो मैं यूं न छोड़ो मुझे घर लौट के भी आना पाऊँ माँ, हो भेजना इतना दूर मुझको तुम याद भी तुझको आना पाऊँ माँ। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा मेरी माँ, मेरी माँ। जब भी कभी पापा मुझे जो जोर मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचू यही तू आके थामेगी माँ। उनसे मैं ये कहता नहीं पर मैं सहम जाता हूँ मैं माँ, हो चेहरे पे आने देता नहीं दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ। तुझे सब है पता है न माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। आज सुबह मेरी मम्मी से बात हुई जो कि डेली होती है एक्चुअल में, बट आज कुछ खास हुई क्योंकि कोरोना के कारण मैं यहाँ मुंबई में फंसा हुआ हूँ और मेरी मम्मी जबलपुर में पूरे परिवार के साथ, उनको बहुत ही चिंता रहती है मेरी। तो उनका ये बोलना था कि तुम फॉर्म भर के आ जाओ, और हालांकि जबलपुर यहाँ से करीब 1500 या 1700 किलोमीटर है, और आप सभी लोगों को पता ही है कि क्वारंटाइन के कारण 14 दिन घर से बाहर रहना और भी सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जिसके कारण यहाँ मुंबई में सभी लोगों के साथ मैं सेफ हूँ। तो वही चीज़ मैं अपने घर वालों को और अपनी स्पेशली मम्मी को बोलना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर सेफ हूँ, स्वस्थ हूँ और अच्छे से हूँ, अच्छे से गा रहा हूँ। अभी अंकिता जी का मैसेज आया मेरी माँ, अंकिता जी थोड़ा लेट हो गई हैं, मेरी माँ मैंने गा दिया है। और इसके बाद रिक्वेस्ट आ रही है, मैं मैसेजेस पढ़ रहा हूँ सभी लोगों के धीरे धीरे। और मेरी गुरु जी अनुपमा जी वो भी इसको वॉच कर रही हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा।
इसके साथ ही हमारे बहुत सारे मेरे मित्र मोहम्मद आसिफ जी देख रहे हैं, इसके अलावा कुछ कुणाल जी हैं, जसपाल जी हैं, वीना लालन जी हैं। वीना लालन जी के बारे में एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये वो फैमिली है जिन्होंने हमारा करीब एक साल से बहुत सपोर्ट किया मुंबई में। हमने सरगम म्यूजिक लैब्स की तरफ से एक लता मंगेशकर जी का वर्ल्ड रिकॉर्ड शो रखा था, जिसमें 90 गाने हमने हमारे कुल 45 सिंगर्स ने मिलकर परफॉर्म किए थे, जो कि दोपहर 12 बजे से रात की 10 बजे तक शो चला था नॉन स्टॉप 90 गाने को लेकर। और बीना लालन जी और लालन फैमिली के 5 मेंबर्स पूरे 90 गानों को देखने के लिए रुके रहे शुरू से एंड तक, और उन्होंने बहुत इन्जॉय किया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके साथ ही हमारे साथ समीर नामदेव जी जुड़े हैं, रूपाली गायकवाड़ जी हमारी सरगम म्यूजिक लैब की को ऑर्गेनाइज़र, इसके बाद अनुपमा मैम मेरी गुरु जी, इसके अलावा राजेश जी जुड़े हैं, रितु सावन जी जुड़े हैं जिनका बहुत अच्छा स्टूडियो है कांजुर मार्ग में, और मैं उनके यहाँ पर स्टूडियो रिकॉर्डिंग करता रहता हूँ। आकाश सेन जी बहुत टाइम के बाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनीश जी के बारे में क्या कहूँ, मुंबई के जितने भी शोज़ होते हैं हर शो में उनकी झलक देखने को मिलती है, और हमारे टेलीकॉम सेक्टर के बहुत ही अच्छे सर ध्रुव जी वो हमारा ये वीडियो देख रहे हैं। इसके अलावा धनेश जी हैं, अंकिता जी हैं, अमित गर्ग जी हैं, और भी सभी लोगों के नाम में धीरे धीरे बोल रहा हूँ। रोमिल जी हैं, जयश्री जी हैं, हाय जयश्री जी कैसी हैं आप। इसी के साथ साथ अभी रिक्वेस्ट आई है लुक्का छुपी की, तो लुक्का छुपी के बारे में ये बोलना चाह रहा हूँ कि लुक्का छुपी गाना जो है लता मंगेशकर जी ने गाया हुआ है, और इसके साथ ही AR रहमान जी ने इसका म्यूज़िक दिया है। AR रहमान और लता मंगेशकर जी की ये पहली जुगलबंदी है, समझ लो पहला गाना है। शुभम जी हमारे जुड़ चुके हैं औरंगाबाद से, हाय शुभम जी। और अभी मैं लुक्का छुपी ट्राई कर रहा हूँ, इसमें सरगम है जो कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ सरगम गाने की, बट अभी फ़िलहाल वो तैयार नहीं हुई है, बट जितना आता है उतना मैं आप सभी लोगों को सुनाता हूँ। लुक्का छुपी बहुत हुई सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी माँ, आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना, आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना। क्या बताऊं मां कहां हूं मैं, यहां उड़ने को मेरे खुला आसमां है, तेरे तुझे सा बोला सालो ना कहा है, यहाँ सपनों वाला मेरी पतंग हो बेफिकर ढूंढ रही है माँ, हो डोर कोई टूटे नहीं बीच से काटे ना, आजा सांझ हुई देख मेरी नजर धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना। इसी गाने के बीच बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि रूपाली जी का है मम्मी ओ मम्मी तू कब सास बनेगी, ये गाना मैंने सुना नहीं है कभी, और उस पर भी बहुत सारे कमेंट्स आए। सिया जी का, उसके बाद अंकिता जी का कमेंट आया है, तो इसी के साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि ये जो लुक्का छुपी का गाना था ये लास्ट ईयर मैंने और राजीव सुंदरम जी ने परम शांति वृद्धाश्रम में गाया हुआ था, वो बहुत अच्छी सिंगर हैं,
और उनका भी कोइंसिडेंटली सरगम नाम से ही ग्रुप है, जो कि बहुत बढ़िया ग्रुप है उनका भी। और इसके अलावा बहुत सारे गाने हैं मदर्स को लेके, बॉलीवुड के बहुत सारे गाने रखे हुए हैं। आज सुबह ही मैंने एक बहुत ही प्यारा मैशअप तैयार किया था, जो कि 4 गानों का था, लुका छुपी, तू कितनी अच्छी है, और इसके अलावा अपना था कैलाश खेर का गाया हुआ मम्मा, और भी बहुत सारे गाने थे उसमें। आप सभी लोग यूट्यूब चैनल सरगम म्यूजिक लैब्स में देख सकते हैं, हमें बहुत ही खुशी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक्स कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। इसके बाद हमारे पास रिक्वेस्ट आई है, हाँ ये बहुत प्यारा गाना है, ये बेटा मूवी का है, इसका सिर्फ मुझे मुखड़ा आता है, तो मैं इसके साथ ही ऋषभ पांडे जी और नितिन जी, इन लोगों का आया है कमेंट, अच्छा आया है, थैंक यू सो मच ऋषभ जी, नितिन जी। इसके साथ ही हमारे साथ तानसी जैन जी जुड़ी हुई हैं, ऋषभ पांडे जी जुड़े हुए हैं, और अभी बेटा मूवी का एक गाना मैं सिर्फ मुखड़ा गाऊंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ उतना ही आता है, तो मैं कोशिश करता हूँ। खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है, आज मुझे मेरी माँ ने बेटा कह के बुलाया है, माँ मेरी माँ, माँ ओ मेरी माँ। इसके साथ ही एक दूसरा गाना मैं जोड़ता हूँ, ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत, जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, जन्मों की दीवारों पर हम प्यार अपना लिख जाए, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है, सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। इसके अलावा 2 गानों की रिक्वेस्ट आई है, लव मूवी का गाना, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, हो माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। धन्यवाद शुभम जी, ऋषभ पांडे जी। इसके अलावा अंकिता जी बोल रही हैं, ये तो सच है कि भगवान है, बहुत बढ़िया गाना है, ये फिल्म हम साथ साथ का गाना है ये, और इसका माँ वाला अंतरा मैं गाने की कोशिश करूँगा। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके लहे, ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है, ये तो सच है कि भगवान है। उसके बाद रिक्वेस्ट आई है कि माँ मुझे अपने सीने से लगा ले आंचल। ओके, ये गाना रोमिल भैया ने रिक्वेस्ट किया है, रोमिल भैया मैं इसको गुनगुनाने की कोशिश करूँगा कि माँ मुझे अपने
आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। अभी मेरे फेवरेट गाने चूनर की रिक्वेस्ट आई है शुभम भाई की तरफ से, तो शुभम भाई ने डाला है सोलफुल, बहुत बढ़िया। अभी चूनर का मैं स्टार्ट करता हूँ। झीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चूनरिया लहराई। झीना झीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चूनरिया लहराई। जग से हारा, जग से हारा, सॉरी थोड़ा लिरिक्स चले गए हैं, अंदरे में आ गया मैं, इमोशंस में बह गया। चलिए मैं अंतरे से चालू करता हूँ। जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ मां। एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ मां। माई रे तुझ बिन मैं तो अधूरा रहा, माई रे मुझसे ही रूठी मेरी परछाई। हो झीना 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 रे उड़ा गुला, माई तेरी चूनरिया लहराई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चूनरिया लहराई। जब जब मुझ पे है उठा सवार, माई तेरी चूनरिया लहराई। झीना झीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चूनरिया लहराई। माई रे तेरे बिन मैं तो अधूरा रहा, माई रे तेरे बिन मेरी परछाई। अभी इसके बाद एक प्यारा सा गाना, मात पिता के चरणों में स्वर्ग। ये गाना है तो एक टीवी सीरियल का, लेकिन इसके लिरिक्स बहुत बढ़िया हैं, तो मैं इसको गाने की कोशिश करता हूँ। कि गाना कुछ ऐसा है, सुख का सूरज यहाँ पर उगता है, हर किसी को सुकून यहाँ मिलता है। माँ के आंचल की ठंडी छाया है, पिता के प्यार का सर पे साया है। उन्हीं ने ही चलना सिखाया है, कांधे पर बैठ कर ही खिलाया है। आसान ही चुकाना उनका हम पे जो कर्ज है, मात पिता के चरणों में स्वर्ग है। हो मात पिता के चरणों में स्वर्ग है। चूँकि मदर्स डे जो
है वो डेली होता है, ऐसा कोई स्पेशल डे नहीं है, वो तो फॉरेनर्स के द्वारा बनाया गया डे है। इसके साथ ही हमारे हेमा जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, अभी जगदीश जी हमारे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा चूनर गाने पे एक बहुत ही बढ़िया कमेंट आया है रोमिल भैया का कि रुला दिया भाई। रोमिल भैया, इमोशनल गाना है ये, हमारी आंखों में आंसू आ ही जाते हैं इस गाने को सुन के। इसके अलावा बहुत सारे गानों की रिक्वेस्ट आ रही है, मैं धीरे धीरे सभी के गानों को गाने की कोशिश करूँगा। एक बहुत ही प्यारा भजन बोले या फिर इसे माँ यशोदा के द्वारा गाया हुआ गाना, ये फिल्म अपना अनुराधा नहीं सॉरी अनुराधा नहीं ये अमर प्रेम का गाना है, ये गाने की कोशिश करता हूँ मैं कि गाना कुछ इस प्रकार है। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया हो। बड़ा नटखट है रे, का अंतरा कुछ इस प्रकार से है। ढूंढे रे अखिया उसे चहुओ, जाने कहाँ छुप गया नंद किशोर। उड़ गया ऐसे हे, उड़ गया ऐसे रे जैसे पुरवैया, का करे यशोदा मैया हो। बड़ नट खट है रे। इसके साथ ही बहुत सारे गाने, सभी करीब हमारे साथ 15-20 लोग जुड़े हुए हैं और धीरे धीरे सभी सिंगर्स आ रहे हैं। नितिन जी का एक कमेंट आया है, वाह क्या बात है भाई, तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद नितिन भाई, आप सभी का बहुत बहुत सहयोग इसी प्रकार से मिलता रहे, प्यार मिलता रहे। हमारे साथ मोहित भारती जी जुड़े हुए हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही हमारा बहुत सारे गाने हैं, खुशियों का दिन, माँ मुझे अपने सभी हो गए हैं। इसके अलावा अपना हाँ एक बहुत ही अच्छा गाना ये है मूवी आराधना का, जो कि रूपाली गायकवाड़ जी के द्वारा 2-3 बार गाया हुआ है। है तो ये लता मंगेशकर जी का द्वारा गाया हुआ गाना, लेकिन मैं इसको कोशिश करता हूँ गाने की। पुरवाई वन में उड़े पंछी चमन में उड़े, राम करे कभी होके बड़ा तू बन के बादल गगन में उड़े। नन्हा सा है कितना सुंदर है तू, इस टूटे दिल का सहारा है तू। चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू मेरा सूरज है तू। इसके बाद एक गाने की रिक्वेस्ट आई है यशोमती मैया से, बोले नंदलाला, बहुत ही प्यारा गाना है, फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का है शायद, यदि फिल्म का नाम मिस्टेक हो तो माफ कीजिएगा। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, काली नैनों वाली आधी रात में तू आया, लाडला कन्हैया मेरा हो, लाडला कन्हैया मेरा काली कमली वाला इसलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी
मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला। इसी के बीच हमारी मम्मी और मेरी बहन सुरभि जी दोनों वॉच कर रहे हैं इस वीडियो को, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा अंकिता जी की फरमाइश थी मेरी माँ, जिसको मैं दोबारा सिर्फ अंतरा गाता हूँ। जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झुलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचू यही तू आके थामेगी माँ। उनसे मैं ये कहता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ। हो चेहरे पे आने देता नहीं, याद भी तुझको आना पाऊँ माँ। तुझे सब है पता है न माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ, मेरी माँ। एक बहुत ही प्यारा गाना याद आ रहा है, ये फिल्म का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, ये एक रॉक सॉन्ग है, कोशिश करता हूँ मैं। जब चोट कभी मेरे लग जाती थी तो आँख तेरी भी तो भर आती थी माँ, हो माँ। जब चोट कभी मेरे लग जाती थी तो आँख तेरी भी तो भर आती थी, एक छोटी सी फूक से तेरी सारे दर्द मेरे होते थे गुम। आज भी कोई चोट लगे तो याद आती हो, याद आती हो तुम माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। इसके साथ ही अभी मैं सबके नाम, जिन जिन्होंने आज हमारे इस लाइव सेशन में शिरकत की, बहुत सारे सिंगर्स और मेरे बहुत सारे मित्र फेसबुक फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही एक नाम यहाँ बोलना रह गया था, विजय जी, विजय जी भी जुड़े हुए हैं, और सिया जी भी देख ही रही हैं, अंकिता जी, रूपाली जी, सुरभि जी, तांशी जी, और भी जिनके नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ उनको माफ़ी चाहता हूँ। इसके अलावा मदर्स डे को लेके और भी गाने हैं जिनमें बहुत सारी, आजकल तो ऐसा हो गया है गाना फिल्मों को लेकर कि छोटा सा छोटा एक सीन तो दे ही देते हैं, जैसे कि अभी एक KGF मूवी में एक बहुत ही प्यारा म्यूज़िक आया था, तंदारे नारे तारे रारे ला रा 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 रा। ये भी बहुत बढ़िया म्यूज़िक था, ये KGF मूवी का दिया हुआ म्यूज़िक है। इसके अलावा मुझे एक सिर्फ एक तीन लाइन याद आ रही हैं जो कि अभी एक हम इसका जॉन अब्राहम की एक मूवी थी, उसका एक बहुत ही अच्छा गाना है जिसका एक अंत, एक आखिरी की लाइन सिर्फ इतनी है, ओ माँ याद आती हो, ओ माँ याद आती हो, ओ माँ
याद आती हो। तो मैं बोलना चाहूँगा कि ये देखिए तीनों लाइन में अलग अलग वेरिएशन सिंगर ने दिए हुए हैं, तो बहुत ही प्यारे प्यारे गाने हैं। अभी हमारे मित्र क्षितिज गौतम जी भी इस वीडियो को देख रहे हैं, दिलीप कुमार जी भी देख रहे हैं, इसके साथ ही बहुत सारे मेरे सिंगर मित्र और सभी इस लाइव सेशन से जुड़े हुए हैं। और करीब मैंने 15-20 गाने इसमें गा लिए हैं, और मैं चाहता हूँ कि और भी यदि कोई फरमाइश हो आप लोगों की, आपको सुनना हो कोई गाना किसी प्रकार का, ज़रूरी नहीं कि इसे मदर्स डे से रिलेटेड ही हो, कोई दूसरा गाना आपको सुनना हो तो आप उसकी भी फरमाइश कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा। ये मेरा पहला लाइव है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छा लग रहा होगा। दिलीप जी का कमेंट आया है, वेरी नाइस सॉन्ग, तो दिलीप जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ साथ एक और रिक्वेस्ट आई थी यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ किसी गाने का, किसने भेजा था मुझे, एक कमेंट आया, उफ दैट वॉइस, क्या बात है। ये शुभम जी ने कमेंट किया हुआ है, रोमिल भैया ने कमेंट किया है, रियली हार्ट टचिंग भाई। और इसके अलावा जो कि देशभक्ति से रिलेटेड भी हमारा जो भारत माता है, उनके लिए भी मैं एक छोटी सी कोशिश करूँगा गाने की। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अभिषेक जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, पुनीत जी ने बहुत अच्छा कमेंट किया है, इसके साथ ही अंकिता जी की फरमाइश आई कि अपना कोई फेवरेट गाना गाएं। तो अंकिता जी मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरे सारे फेवरेट, ऐसे किसी गाने को लेके मेरी कोई बहुत अच्छी याद नहीं है, मतलब कि स्पेशल याद नहीं है। सुरभि जी का कमेंट आया, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, ये गाना सुरभि जी मैं गा चुका हूँ, लेकिन फिर भी अभी आप जुड़े हैं तो इसके लिए मैं दोबारा आपके लिए गाना चाहूँगा। गाना तो हालांकि मैंने तीनों अंतरे गाए थे, दोबारा इस गाने को गा देता हूँ। अंकित भैया हमारे जबलपुर पनागढ़ से साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं स्वागत करना चाहता हूँ। तू कितनी अच्छी की फरमाइश आई है। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तो ये फरमाइश थी सुरभि जी की। इसके साथ ही शिखा व्यवहार जी मेरी कॉलेज मेट हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका स्वागत है। प्रतिज्ञा दास जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, जो हमारी सरगा म्यूज़िक लैब की एक्टिव सिंगर हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही बहुत सारे सिंगर्स और मेरे मित्र गण मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल झा जी हमारे स्कूल मेट आए हुए हैं, उनका भी स्वागत करता हूं मैं। इसी के साथ साथ अंकिता जी की फरमाइश आई थी कि मैं अपना कोई फेवरेट सॉन्ग गाऊँ, तो मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है लाल इश्क, जिसको मैंने बहुत टाइम दिया इस गाने को मैंने करीब 4 साल दिए इस गाने की प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि इस गाने, ये गाना जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं
म्यूज़िक का सा भी नहीं जानता था, ऐसा आप समझ सकते हैं। फिर मैंने स्टार्ट किया म्यूज़िक को और सीखा, और मेरे गुरुओं ने मुझे मोटिवेट किया। आज मैं उन गुरुओं की बदौलत ही जो कुछ भी हूँ। तो लाल इश्क गाना मैं गाना चाहता हूँ, तो मैं ट्राई करता हूँ, सुनिए आप। तुझ संग बैर लगाया ऐसा, तुझ संग बैर लगाया ऐसा, रहा न मैं फिर अपने जैसा, हो रहा न मैं फिर अपने जैसा, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम तेरा नाम, मेरा नाम इश्क, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये बैर इश्क, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये बैर इश्क। नागपुर से मेरे भैया रंजीत जी, आपका स्वागत है। आप भी जुड़े हुए हैं लाइव मेरे साथ। लाल इश्क का अंतरा स्टार्ट करता हूँ। ये काली रात जकड़ लूँ, ये ठंडा चांद पकड़ लूँ, ओ ये काली रात जकड़ लूँ, ये ठंडा चांद पकड़ लूँ, दिन रात के भेद का रुख मोड़ के मैं रख दूँ, तुझ संग बैर लगाया ऐसा, रहा न मैं फिर अपने जैसा। हमारे साथ सुमन कुमार जी जुड़े हुए हैं, अभिलाषा जी मेरी बहन इंदौर से जुड़ी हुई हैं, आपका स्वागत है। अंकिता जी का कमेंट आया, एक्सीलेंट, थैंक यू अंकिता जी। लाल इश्क के अलावा मेरा एक फेवरेट गाना लता जी का है, एक राधा एक मीरा। एक राधा एक मीरा को मैं अंतरे से चालू करूँगा। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, राधा के मन मोहन, सागमा पधा पाधमा परे मागा, धरि सनी परे रे ग म ग म प म प ध प ध सनी सरे, आ के प्रभु गिरिधर नागर, राधा के मन मोहन, राधानित श्रृंगार करे और मीरा बन गई जोगन, एक मुरली एक पायल एक पगली एक घायल, अंतर क्या दोनों की
प्रीत में बोलो अंतर क्या दोनों की, प्रीत में बोलो एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी, एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की, प्रीत में बोलो एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी, एक सूरत नमानी एक मूरत नमानी। तो दोस्तों आज का ये लाइव सेशन मेरा पहला लाइव सेशन था, इसमें जो भी गलतियाँ हुई हों मुझे छोटा समझ के माफ़ कीजिएगा, और इसके साथ ही जितने भी मेरे दर्शकगण इसमें जुड़े हुए थे मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, और सभी से चाहूँगा कि सरगम म्यूज़िक लैब को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें, मुझे प्यार करें, हमारे सिंगर्स को प्यार करें। सरगम म्यूज़िक लैब आपको यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और इसके अलावा ट्विटर में सभी जगह अवेलेबल है। इसके साथ ही www.sargammusiclabs.com में आप वॉच कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा कमेंट आया अंकिता जी की तरफ से कि खो गई मैं इस गाने में, अति सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी। इसके साथ ही मैं अनाउंस करने वाला हूं कि हमारा जो अभी सरगम म्यूजिक लैब में लॉकडाउन के समय चल रहा है वो है वेबसाइट और सरगम वेबिसोड के एपिसोड्स। अंकुर जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, अंकुर जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं। और जिसका सरगम वेबिसोड का पहला एपिसोड सुरेखा भिड़े जी का पब्लिश हो चुका है, जो कि सरगम म्यूजिक लैब के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। इसके साथ ही दूसरा एपिसोड शशिकांत कुमार जी का नेक्स्ट संडे पब्लिश होने वाला है, और ये कड़ी जुड़ती रहेगी। हमारे नरेश जी अभी अभी जुड़े हैं हमारे साथ में, नरेश जी का मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन नरेश जी थोड़ा आप लेट हो गए, हमने 5 बजे से लाइव सेशन चालू किया हुआ था और बहुत सारे हमने मदर्स डे के गाने गाए और आप सभी लोगों ने इतना प्यार दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ट्राई करेंगे अगले हफ्ते आने की। इसके साथ ही हमारे जितने भी सिंगर्स हैं सरगम म्यूजिक लैब्स के वो भी इस लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं, और आप बहुत बढ़िया बढ़िया सॉन्ग्स सुनेंगे। आशा करता हूँ आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।